महाराष्ट्र में 2 दिनों बाद विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, लिहाजा आखिरी दौर में प्रचार अपने चरम पर है। लगातार बयानों से विरोधियों पर प्रहार भी हो रहा है। वोटिंग की तारीख से ठीक पहले नए नए आरोपों का दौर भी चल रहा है और इसी कड़ी में बड़ा संग्राम छिड़ा है अजीत पवार को एक बयान को लेकर। अब आज महाराष्ट्र के अमरावती में रैली के दौरान राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में सरकार गिराने के लिए हुई बैठक का जिक्र करके भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग बंद कमरों में छुपकर इस संविधान की हत्या करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब महाराष्ट्र की जनता से उनकी सरकार चोरी की गई, जिस मीटिंग में अदानी जी बैठे थे, अमित शाह जी बैठे थे, जो सरकार चोरी करने की मीटिंग थी, जिस मीटिंग में निर्णय लिया गया था कि एमएलएस को खरीदा जाएगा, करोड़ों रुपए के लिए खरीदा जाएगा, क्या जब अमित शाह जी और बीजेपी के लोगों ने यह मीटिंग की, जब उन्होंने आपकी सरकार खरीद कर आपसे चोरी की, क्या वो संविधान की रक्षा कर रहे थे? वो सरकार धारावी के कारण चोरी की गई थी, क्योंकि बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह धारावी की जमीन महाराष्ट्र के गरीब लोगों की जमीन, 1,00,000 करोड़ रुपए की जमीन अपने मित्र गौतम अदानी को देना चाहते थे।